तो हमें वेट करना है कब तक, जब तक हमारी शेल जो है वो खत्म ना हो जाए, हार्ड पार्ट खत्म ना हो जाए अंडे का और सिर्फ मेम्ब्रेन और यॉर्क ना रह जाए। तो हमारी जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और जो एग है ये हमारे पास एग आ गया है। इसके जो सबसे ऊपर शेल थी वो अब इसमें नहीं है, वो डिसॉल्व हो गई, अब ये ऐसा हो गया है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास में क्या आया, ऐसे मैंने दो के साथ में किया, दो एग्स के, तो दोनों की जो शेल थी जिसको जो हार्ड वाला पार्ट होता है जो कवर होता है एग का, वो इस पे से खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बची, एक मेम्ब्रेन बची है और इसके अंदर जो भी है सब कुछ इसमें एसिटिज है। देखो वो हार्ड कवर नहीं है इसलिए ऐसे ऐसे दब रहा है। इस वाले पार्ट को देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर एयर स्पेस के पीछे एग दिखाई दे रहा है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है इसलिए ये ऐसे बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही सॉफ्ट जैसी चीज़ वो स्पंजी हो जाता है ना, जैसे रसगुल्ला आता है ऐसे दबा देते तो वैसा हो गया।